किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल सतरंगी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय गणपति महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा गणपति महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि दुख में भी किसी को नहीं बतानी चाहिए बातें, उठाना पड़ता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य बहुत ही कुशल बुद्धि के विद्वान थे, आज के समय में भी उनकी गिनती श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने शत्रु को पराजित किया है। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर नीति शास्त्र की रचना की, जिसे चाणक्य नीति भी कहा जाता है। दोस्तों चाणक्य द्वारा लिखी गई नीति शास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। नीति शास्त्र में चाणक्य ने ऐसी बातों का जिक्र किया है जिन्हें दुख के समय में भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन बातों का जिक्र दूसरों के सामने करता है तो उसे अपमान और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नंबर एक, धन का नाश होने पर। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को धन का नाश होने पर किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। आपकी इस स्थिति में लोग आपके सामने तो सहानुभूति प्रकट करते हैं परंतु सहायता करने से कतराते हैं। धन का नाश होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति फायदा उठा सकता है, आप समस्याओं में गिर तो सकते हैं साथ ही आपका अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर दो, परिवार के विवाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि परिवार में किसी प्रकार का दोष होने पर किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। यदि परिवार में किसी प्रकार की कलह है या फिर किसी सदस्य में कोई दोष है तो इस बात को भूलकर भी दूसरों के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। आपके परिवार के आपसी मतभेद का लोग फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों नंबर तीन, पति पत्नी की बातें तीसरे को नहीं बताना। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी की बात को कभी भी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए, इससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। पति पत्नी का संबंध बहुत ही निजी होता है, यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद हो और पत्नी कोई गलत व्यवहार कर दे तो इस बात का जिक्र भूलकर भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। नंबर चार, किसी के द्वारा अपमानित होकर ने पर। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कहीं पर आपको कटु और गलत शब्द सुनने पड़े हों और आपको आपका अपमान हुआ हो तो इस बात के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग सहानुभूति दिखाने के स्थान पर उपवास करते हैं, इसलिए इन बातों को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों आएगा चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आई कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आएगा दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाए गए धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। बच्चों से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें। आज रूमानियत का मौसम जरा खराब लगता है क्योंकि आपका साथी आज आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। वरिष्ठ सहकर्मी और रिश्तेदार मदद का हाथ बढ़ाएंगे। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी आपको अपने लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ऐसा करके अपने भविष्य को आप सुधार सकते हैं। शादी सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी जरूरी है। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा तथा समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान बनेगी। घर में किसी नए मेहमान की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से उत्सव भरा माहौल बना रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई तथा करियर को लेकर सजग रहेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है। धन संबंधी समस्या आने से निराशा रहेगी। दोस्तों व्यवसाय में कुछ व्यवधान आएंगे परंतु आप अपनी बुद्धि बल तथा चतुराई से समस्या का हल भी ढूंढ लेंगे। किसी परिचित के माध्यम से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है परंतु व्यवसाय इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही अधिक मेहनत की जरूरत है। दोस्तों घर में सुख शांति पूर्ण वातावरण रहेगा परंतु प्रेम संबंधों में मर्यादा और संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी। दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी को लापरवाही ना लें, नियमित योग और व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों पार्टनर के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। किसी काम के लिए की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर के लिए आज का दिन फेरबदल रहेगा। किसी काम के पूरे होने पर आपको प्रसन्नता होगी। हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। आपको काम में सीनियर्स का पूरा योगदान मिलेगा। आपको व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। सेहत के मामलों में आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको कई तरह के नए और अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हनुमान जी के सामने
नेकी का दीपक जलाएं, आपके सभी काम सरलता पूर्वक पूरे होंगे। दोस्तों आज आप बहुत मस्ती करेंगे, अच्छा और मीठा बोलकर आप अपने काम पूरा करवा लेंगे। आप अच्छा काम करते हैं तो इसका अच्छा फल आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। निजी और व्यावसायिक जीवन में आज तालमेल बैठाने में कुछ कठिनाई हो सकती है। करियर संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज घर के किसी काम की गति धीमी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। दोस्तों पैसों को लेकर धैर्य रखें, पैसों की स्थिति में जल्दी ही बदलाव आ सकता है। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम भी दिया जा सकता है। आप परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। इसके अलावा घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन भी होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन के लिए इस समय काफी श्रेष्ठ नजर आ रहा है। आपकी जीवन साथी को इस दौरान अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों कन्या राशि में स्वास्थ्य व स्वभाव पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय उनके स्वभाव में आप थोड़ा गुस्सा व रूखापन महसूस करेंगे। दोस्तों आज आपकी कोई परेशानियों को सफेद रंग दूर कर सकता है। इस रंग के वस्त्रों को धारण करने से आपका मानसिक तनाव कम होगा। चमकीले और गहरे रंग से बचें। दोस्तों शेयर मार्केट में उनके द्वारा व्यक्त की गई संभावनाएं सही साबित होंगी। इसके अलावा पारिवारिक और न्यायिक सलाहकारों के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आय और व्यय के मोर्चे पर कन्या राशि के जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों दिन की शुरुआत में आपको अपने लोन या ऋण का भुगतान करने को लेकर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि आपके दूसरे घर का स्वामी शुक्र छठे घर में 12वें घर के स्वामी सूर्य के साथ होगा। इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आपको भुगतान के लिए अपनी बचत से खर्च करना पड़ेगा। 11वें घर का स्वामी चंद्रमा इस दौरान सभी राशियों के माध्यम से गोचर करेगा, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इस दौरान आपकी आय अनिश्चित होगी। दोस्तों इस दौरान आपकी आय सुनिश्चित रहेगी। इसके अलावा इस दौरान आपकी बहुमुखी स्रोतों जैसे आपके शौक, रुचियां, संपत्तियां से किराए पर लोन या कुछ बिक्री खरीद इत्यादि से भी धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। 8वें घर का स्वामी मंगल इस समय के दौरान आपके 9वें घर में होगा, जो दर्शाता है कि आप इस दिन के दौरान कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, जो आपको संपत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा। यानी कि ये दिन आर्थिक पक्ष के अनुसार थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप किसी भी तरह से घाटे में नहीं रहेंगे। आप अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों ये था आय के कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से गणपति महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो गणपति महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये आय का राशिफल अपने दोस्तों से करना, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।